हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला, और आज हम लोग जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्कस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोसिस सेप्टर सेंस। तो ये सेंस करता है जनरली पेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डिसअपीयर्स ड्यूरिंग। सो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डिसअपीयर करता है इन प्रोफेज, और जनरली इन लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिग्निन इज द मेजर कंपोनेंट इन द सेल वॉल ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। तो जो लिग्निन होता है ये पाया जाता है इन केस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि ये होता है डेड और ये काफी सपोर्ट करता है, हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्क्लेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर फोर, द रिकवरी ऑफ द स्किन आफ्टर इट्स स्ट्रेचिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय फाइबर्स, दैट इज इलास्टिन फाइबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, न्यूक्लियस ऑफ एग इज कॉल्ड। तो जो न्यूक्लियस का एग होता है उसे कहते हैं जर्मिनल वेस्कल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फोर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन डिवीजन। क्योंकि ये होता है मियोसिस, और मियोसिस में होता है रिडक्शन डिवीजन, तो यहाँ पे एक सेल से बने दो सेल, दो से बने चार सेल, तो यहाँ पे ये फोर न्यूक्लियाई जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, और ये आपस में डिफर होते हैं, सब एन होते हैं, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो ये चारों आपस में डिफर करते हैं इन द क्वांटिटी ऑफ जीन्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेवन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफ्यूजन कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो आता है काइनेटिक एनर्जी से। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर एट, द टिश्यू दैट इवॉल्व फर्स्ट एंड ऑल्सो फॉर्म्ड फर्स्ट इन द एम्ब्रियो। तो जो टिश्यू जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट डेवलप होता है उसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू। या इसमें एग्जांपल होता है ब्लड, मस्कुलर टिश्यू में मसल्स, नर्वस टिश्यू में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह, फिर ब्रेन वगैरह। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नाइन, सब लिंगुअल सेलिवरी ग्लैंड्स पोर इट्स सेक्रेशन इन बक्कल कैविटी थ्रू। सो अपने सेक्रेशन को पोर करता है इन डक्ट, दैट इज बार्थोलिन्स डक्ट एंड रिविनस डक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटीन हेल्प्स स्विच कॉन्ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ। तो कॉन्ट्रैक्शन को ऑन एंड ऑफ करता है दो प्रोटीन, दैट इज एक्टिन प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जो एक्टिन बना होता है ये बना होता है माइक्रोफिलामेंट से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रही हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।